Namaste, welcome and welcome back to my channel. So in today's video we are going to talk about a very important topic which is literary theory. So video ko end tak dekhna taki aapko sab cheeze acche se samajh mein aaye. लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए. सो ज़रा टाइम ना वेस्ट करते हुए लेट्स गेट इनटू द वीडियो. ओके, सो लिटरेरी थ्योरी को समझने से पहले हम थ्योरी के मीनिंग को समझते हैं. आप में से बहुत से लोगों को थ्योरी का मीनिंग तो पता ही होगा. सो थ्योरी की जो डेफिनेशन है वो है अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़ intended to explain something, specially one based on general principles. और अगर हम और भी सिंपल डेफिनेशन की बात करें तो थ्योरी इज़ अ सेट ऑफ प्रिंसिपल ऑन विच द प्रैक्टिस ऑफ एन एक्टिविटी इज़ बेस्ड. तो अब अगर हम यहाँ लिटरेरी वर्ड को ऐड करते हैं तो थ्योरी के टर्म में कोई चेंज नहीं होता. हाँ, अगर हम लिटरेरी को ऐड कर रहे हैं बिफोर थ्योरी तो इससे हम थ्योरी के स्कोप को एक लिमिट देते हैं. तो कोई भी क्वेश्चन और कुछ भी जो रिलेट करता है लिटरेचर से वो डील किया जाएगा विद द कॉन्सेप्ट कॉल्ड लिटरेरी थ्योरी. क्लियर? ओके, तो अब हम बात करेंगे लिटरेरी थ्योरी के बारे में. सो बेसिकली लिटरेरी थ्योरी एक तरह से आइडियाज़ एंड मेथड्स होते हैं जिनको हम यूज़ करते हैं इन प्रैक्टिकल रीडिंग ऑफ लिटरेचर. लिटरेरी थ्योरी हमें सिखाती है कि हमें टेक्स्ट को कैसे पढ़ना है, कैसे अप्रोच करना है. थ्योरी हमें ब्रॉड एप्रिशिएशन देती है, थिएट्रिकल अप्रोच देती है. थ्योरीज जो है वो लेंसेस की तरह है जो हमें समझने में, विजुअलाइज करने में हेल्प करती है एक वर्क के डिफरेंट मीनिंग्स को. इसको एज अ टूल बॉक्स भी रिफ़र किया जाता है जो कि लिटरेरी टेक्स्ट को समझने या इंटरप्रेट करने में हेल्प करता है. अब यहाँ एक बात और कि बहुत से स्टूडेंट लिटरेरी क्रिटिसिज्म और लिटरेरी थ्योरी में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन ये उतना भी कंफ्यूज करने वाला नहीं है जितना ये दिखता है. इन दोनों में डिफरेंस होने के साथ साथ एक कॉमन चीज़ है जो कि इनके नाम में है, वो ये कि ये दोनों ही लिटरेरी वर्ड को कंटेन करते हैं. तो जाहिर सी बात है कि कुछ ना कुछ तो कॉमन होगा बिटवीन देम बिकॉज ऑफ देयर कंसर्न विथ लिटरेचर. ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, क्लोजली रिलेटेड हैं. जहाँ लिटरेरी थ्योरीज जो है वो फ्रेमवर्क्स है दैट आर यूज टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट लिटरेरी टेक्स्ट, वही लिटरेरी क्रिटिसिज्म इन थ्योरीज को इन्वॉल्व करता है, इनका यूज़ करता है टू इवेलुएट एंड एनालाइज लिटरेरी वर्क्स. तो दोनों में जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो है थिएट्रिकल और प्रैक्टिकल का. ऑब्वियसली थ्योरी जो है वो थिएट्रिकल है और क्रिटिसिज्म जो है वो प्रैक्टिकल है. लेकिन जो हमें याद रखना है वो ये कि दोनों सेम आइडिया से कंसर्न है और वो है एनालाइज ऑफ अ लिटरेरी वर्क. इसके बाद हम बात करेंगे कि लिटरेरी थ्योरी का इम्पोर्टेंस क्या है. सो लिटरेरी थ्योरी इनेबल करता है ब्रॉड एप्रिशिएशन ऑफ ग्लोबल लिटरेचर. किसी लिटरेरी टेक्स्ट को लिटरेरी थ्योरी के थ्रू जब हम पढ़ते हैं तो वो एक न्यू पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करता है जिससे हम लिटरेचर को और बेटर वे में समझ पाते हैं. डिफरेंट ऑथर्स के डिफरेंट इंटेंशंस को हम पढ़ पाते हैं, समझ पाते हैं. और जनरली इससे क्या होता है, इससे लिटरेचर की क्वालिटी इम्प्रूव करती है फॉर बोथ ऑथर एंड रीडर्स. ऐसे तो बहुत सारे लिटरेरी थ्योरीज हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है, बट जो मोस्ट सिग्निफिकेंट थ्योरीज है जो ज़्यादातर जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं वो है टोटल 15. सबसे पहला है प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म. तो जो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म है वो इनकरेज करता है रीडर को किसी वर्क को, किसी लिटरेरी वर्क को पढ़ने के लिए विदाउट एनी आउटसाइड कॉन्टेक्स्ट, लाइक अबाउट ऑथर और अबाउट द डेट एंड प्लेस ऑफ राइटिंग. इसके बाद है सेकेंड, कल्चरल स्टडी.
तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म के विपरीत कल्चरल स्टडी कल्चरल थ्योरी एग्जामिन करता है किसी टेक्स्ट को उसके सोशियो कल्चर एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्स्ट में स्टडी करता है। इसके बाद तीसरा है फॉर्मेलिज्म। फॉर्मेलिज्म में हम टेक्स्ट को उसके फॉर्म के थ्रू देखते हैं। इसमें रीडर्स किसी वर्क को जज करते हैं थ्रू द आर्टिस्टिक मेरिट ऑफ लिटरेचर। इसमें वर्क्स के फॉर्मल एलिमेंट्स को एग्जामिन किया जाता है, लैंग्वेज एंड टेक्निकल स्किल्स को एग्जामिन किया जाता है। इसके बाद चौथा है रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी। इसमें रीडर को वैल्यू दिया जाता है। इसके अनुसार रीडर का रिएक्शन उतना ही इम्पॉर्टेंट होता है जितना एक लिटरेरी वर्क। रीडर इज़ मोर इम्पॉर्टेंट इन दिस थ्योरी। मतलब जितना एक लिटरेरी वर्क इम्पॉर्टेंट रखता है उतना ही एक रीडर का रिस्पॉन्स इम्पॉर्टेंट रखता है। क्योंकि अगर रीडर इंटरेस्ट नहीं दिखाएगा तो आपका वर्क पॉपुलर कैसे होगा। इसके बाद है पांचवा न्यू क्रिटिसिज्म। न्यू क्रिटिसिज्म टेक्स्ट और फॉर्म को मिक्स करता है। न्यू क्रिटिसिज्म फोकस करता है ऑन एग्जामिन द फॉर्मल एंड स्ट्रक्चरल एलिमेंट ऑफ लिटरेचर। इसको बहुत हद तक कहा जाता है कि ये जो न्यू क्रिटिसिज्म और फॉर्मेलिज्म है वो एक ही चीज़ है, लेकिन दोनों का जो स्टडी करने का तरीका है वो बहुत ही डिफरेंट है। इसके बाद आता है साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म और थ्योरी। साइको एनालिटिक क्रिटिसिज्म थ्योरी लुक्स टू द न्यूरोसिस एंड साइको एनालिटिक स्टेट ऑफ अ कैरेक्टर इन लिटरेचर, जो हमें इंटरप्रेट करने में हेल्प करते हैं टेक्स्ट के मीनिंग को। इसमें कैरेक्टर के जो मेंटल स्टेट है कि किस किन फीलिंग्स ने उसकी मानसिक स्थिति कैसी थी कि उसने कोई क्राइम को अंजाम दिया, इस चीज़ को इसमें स्टडी किया जाता है। इसके बाद है मार्क्सिस्ट थ्योरी। मार्क्सिस्ट थ्योरी की ब्रांच को कार्ल मार्क्स ने एस्टैब्लिश किया था अपनी पॉलिटिकल एंड सोशियोलॉजिकल आइडियोलॉजी के तहत। मार्क्सिस्ट थ्योरी एग्जामिन करता है लिटरेचर को अलोंग द लाइन ऑफ क्लास रिलेशन एंड सोशलिस्ट आइडियाज़। अगर हम आसान भाषा में समझें तो हमें जो अपने समाज में क्लास डिफरेंस देखने को मिलता है, जाति भेद देखने को मिलता है, वही चीज़ इस थ्योरी के तहत एग्जामिन की जाती है। इसके बाद है पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी। ये जो पोस्ट मॉडर्निज्म थ्योरी है वो रिफ्लेक्ट करता है फ्रैक्चर्ड एंड डिसोनेंट थॉट एंड एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ। ये बताता है कि लोगों के माइंडसेट कैसे चेंज होते हैं। जैसे यूट्यूब में ही आप देख लीजिए, बहुत से लोग यहाँ पर वीडियो बनाते हैं जिनका कोई मतलब नहीं होता, लेकिन फिर भी लोग उन वीडियोज़ को देखते हैं, लाखों में सब्सक्राइब करते हैं। और इनफैक्ट जो इनके व्यूअर्स होते हैं उनको भी पता है कि ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन फिर भी वो इन वीडियो को देखकर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। बेसिकली पोस्ट मॉडर्निज्म जो है वो मॉडर्निस्ट के आइडियाज़ को रिजेक्ट करता है। बाद है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म हमें बताता है कि किसी भी चीज़ या वस्तु का कोई अल्टीमेट मीनिंग निकालना पॉसिबल ही नहीं है। हर चीज़ का मीनिंग हर इंसान के लिए बदलता रहता है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ को चैलेंज करता है कि जैसे हर चीज़ का आप देख लीजिए कि हर एक पर्सन के लिए उस चीज़ का अलग अलग मीनिंग होगा। इसलिए जो अल्टीमेट मीनिंग है किसी चीज़ का, स्थाई मीनिंग है, वो निकालना पॉसिबल नहीं है। बात है डीकंस्ट्रक्शन। डीकंस्ट्रक्शन जो है थ्योरी वो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म को चैलेंज करता है कि अगर आप किसी चीज़ का कोई मीनिंग अल्टीमेट मीनिंग निकाल नहीं सकते हैं तो आपको मीनिंग निकालना ही क्यों है, आप मीनिंग ढूंढ ही क्यों रहे हैं। आप टेक्स्ट के मीनिंग को देखिए, जो है वो सब कुछ टेक्स्ट ही है, इसलिए टेक्स्ट के मीनिंग को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया जाता है। इसके बाद है पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी जो है वो कंट्रोलिंग आइडिया पर बेस्ड है। जैसे कोई इंसान किसी ना किसी को किसी तरह से कंट्रोल करता है या कंट्रोल होता है। अगर आप अपने आप को एक इंडिपेंडेंट ह्यूमन कहते हैं तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप भी किसी ना किसी से कंट्रोल होते हैं। पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी चैलेंज करती है द डोमिनेंस ऑफ वेस्टर्न थॉट इन लिटरेचर। इसके बाद है फेमिनिस्ट क्रिटिसिज्म। ऑब्वियसली नाम से ही पता चलता है कि फीमेल या
महिलाओं से रिलेटेड है, उनकी जो पोजीशन है समाज में आज से नहीं बल्कि सालों से। अगर हम लिटरेचर में ही देखें तो अगर आप लिटरेचर में जाने माने मशहूर राइटर की अगर लिस्ट निकाले तो सबसे पहले जो प्रोमिनेंट आपको राइटर देखने को मिलेंगे वो सारे मेल्स ही होंगे। मतलब अगर हम कहें कि इक्वालिटी है तो उतनी भी इक्वालिटी अभी तक आई नहीं है समाज में। अब है क्वेर थ्योरी, बहुत ही फेमस और बहुत ही ज़्यादा क्रिटिकल। आप लोगों ने एलजीबीटी कम्युनिटी के बारे में तो सुना ही होगा। सो बेसिकली क्वेर थ्योरी में एलजीबीटी कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है। क्वेर थ्योरी बहुत हद तक फेमिनिस्ट थ्योरी भी है, थ्योरी भी कहते हैं बहुत लोग, बट ये उससे भी आगे है। बाय फर्दर इंटरोगेटिंग जेंडर रोल्स इन लिटरेरी स्टडीज पर्टिकुलरली थ्रू द लेंस ऑफ सेक्सुअल ओरिएंटेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी। इसके बाद है क्रिटिकल रेस थ्योरी। क्रिटिकल रेस थ्योरी जो है वो इमर्ज्ड हुई थी ड्यूरिंग द सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। ये जो थ्योरी है वो प्राइमरली कंसर्न्ड है विद द एग्जामिन ऑफ लॉ, क्रिमिनल जस्टिस एंड कल्चरल टेक्स्ट थ्रू द लेंस ऑफ रेस। बाद आता है हमारा लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थ्योरी, क्रिटिकल डिसेबिलिटी थ्योरी। क्रिटिकल डिसेबिलिटी थ्योरी जो है वो वन ऑफ अ ग्रोइंग नंबर है ऑफ इंटरसेक्शन फील्ड्स ऑफ क्रिटिकल स्टडी। क्रिटिकल डिसेबिलिटी थ्योरिस्ट बिलीव दैट रेसिस्ट एंड एबलिस्ट व्यू गो हैंड इन हैंड। तो इस थ्योरी में हम स्टडी करते हैं कि क्या सिचुएशनल बेस्ड डिसेबिलिटीज हमारे स्टडीज़ को इम्पैक्ट करता है या नहीं। दैट इज़ द एंड ऑफ टूडेज डिस्कशन। मैंने शॉर्ट में जितना हो सके उतना एक्सप्लेन करने का कोशिश किया है। आई होप टॉपिक आपको समझ में आया होगा एंड वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो देन गिव इट अ बिग थम्स अप एंड ऑल्सो डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। इससे रिलेटेड नोट्स की जो PDF है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड। बाय बाय।